चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेकंड बी। ठीक है, ये टू बी है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, उसकी एक्सरसाइज सेकंड है ये हमारी बी एक्सरसाइज। ठीक है, इसको करने वाले हैं हम। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें हमें, इसने बोला है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 इन 2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सरसाइज 2B गिवन की है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है आपको कितनी, 4000 रुपीज़। टाइम दिया है आपको 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल क्या होता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 4000 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको, ये हो गया 2 8 16 16 4 64, तो 640। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है इसके लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अब हम निकालेंगे फोर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट फोर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड क्या होगा हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, आई वन फाइंड करने के लिए, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम पी की वैल्यू 4000 यूज़ करेंगे, आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 8%, और टी टाइम हो जाएगा 1 ईयर डिवाइड बाय 100। 100 इसको डिवाइड किया हमने, तो ये हो गया 8 4 32, तो ये हो गया 320। ये हो गया इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा। अब अमाउंट निकालेंगे हम फर्स्ट ईयर का, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल 4000 और इंटरेस्ट 320, तो ये हो गया 4320। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड ये हो गया हमारा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अब हम फॉर सेकंड ईयर की तरफ चलते हैं। फॉर सेकंड ईयर पर हम अगर जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो हमारे सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। टाइम रेट और हम रेट हमारा वही रहेगा 8%, टाइम हम कितना लेंगे 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि हम ईयरली फाइंड करते हैं इसमें। तो आई टू निकालेंगे, आई टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 8 2 16 6 1 कैरी, 8 3 24 25, 2 कैरी 8 4 32 और 2 34 और डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 4 5.60। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अमाउंट अगर हम निकालें इसका, ए टू अमाउंट अगर हम निकालें इसमें, तो पी टू प्लस आई टू हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 4320 प्लस 3 4 5.60 कह सकते हो आप इसको। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 06.54 और 2 6 3 और 3 6 और ये 4, ये हो गया। लेकिन अगर हम फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें इसका, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, फाइनल अमाउंट माइनस इसमें क्या कर देंगे हम, प्रिंसिपल, इनिशियल जो प्रिंसिपल था हमारा 4000, तो ये कितना जाएगा 665.60, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फाइंड करना है। तो सी आई हमारा आया है 665.60, एस आई आया है हमारा ये वाला 4640,
तो 640 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 25.60। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका डिफरेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमसे ए मैन लैंड्स 12,500 एट 12% फॉर फर्स्ट ईयर एट 15% फॉर सेकंड ईयर एट 18% फॉर थर्ड ईयर इफ द रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड ईयरली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो आपको सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर और सीआई ऑफ द थर्ड ईयर का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन किया है प्रिंसिपल वैल्यू 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें कितना 12% फॉर द फर्स्ट ईयर, 12% फॉर द फर्स्ट ईयर, 15% फॉर द सेकंड ईयर एंड 18% फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है और दोनों को आपका डिफरेंस बताना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू 1/ कितना 100। इसको करेंगे अगर हम तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 2 5 10 0 1 2 2 4 5 और 2 और ये करेंगे तो 5 2 1 ये आएगा 0 0 5 और 5 0 और ये 5 और 1 ये आ गया 1500। ठीक है, ये 1500 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे हम फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आएगा 0 0 5 5 0 1 4 1 ये आ गया 14,000। ठीक है, अब फोर सेकंड ईयर लेंगे हम, फोर सेकंड ईयर की तरफ चलते हैं। तो सेकंड ईयर में अमाउंट प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये 14,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट हमारा रहेगा इस बार 15%। ठीक है, टाइम वन ईयर के लिए लेंगे तो यहाँ पर फिर हमारा आई टू कितना हो जाएगा, पी 14,000 इंटू आर इंटू 1/100। इसको करेंगे यहाँ सिंपल कैंसिल किया, यहाँ पर इसे करेंगे तो 15 और ये 2 1 2 1 0। ठीक है, 15 अगर आप करते हो यहाँ पर 15 और 14 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 5 4 20 0 2 5 4 20 0 2 और ये 7 ये 1 4 4 11 और ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2100 हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना जाएगा 14,000 प्लस 2100 2100 करेंगे तो यहाँ पर प्लस होकर कितना आएगा 00161 ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। अब थर्ड ईयर की तरफ चलते हैं, और थर्ड ईयर की तरफ चलेंगे अगर हम तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड ईयर के लिए 16100। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, रेट थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 18%। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का ही हमें डिफरेंस चाहिए। तो थर्ड ईयर का डिफरेंस 16100 इंटू 18 और डिवाइड बाय 100 हम 1 कर देते हैं डिवाइड बाय 100 ये कैंसिल हो गया। अब इसे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अगर हम 161 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 से तो कितना आएगा 8 1 8 8 6 40 8 4 8 और 4 12 यहाँ पर करेंगे तो आएगा 161 ये 8 9 और यहाँ पर 8 और ये 2 तो ये हो जाएगा 2 8 9 8। अब ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारा और ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, दोनों का आपको डिफरेंस निकालना था। तो फर्स्ट थर्ड ईयर का डिफरेंस आया 2 8 9 इंटरेस्ट आया 2 8 9 8 और फर्स्ट ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट आया था 1500।
माइनस करेंगे दोनों को तो 8, 9, 3 और 1, ये इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑफ कितना, थर्ड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ये कि इस सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एक्सीड फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 96 फाइंड द सम ऑफ मनी। तो सिंपल है ये भी, यहाँ पर हम सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे और उनका डिफरेंस कितना है 96 है, तो आपको क्या करना है सम ऑफ मनी फाइंड करना है। तो जब वो सम ऑफ मनी बोलेगा तो आपको क्या करना है वहाँ पर पी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू इसने नहीं दी, बताई हमने लेट की वो एक्स रुपीज़ है, ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू। अब रेट बता रहा है ये 8% है, आपको कह रहा है कि इफ़ द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाय 96, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे हम सबसे पहले। तो फोर फर्स्ट ईयर के लिए कर चलते हैं, तो फोर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, P की वैल्यू X है, R की वैल्यू 8 है और ये 1/100, ठीक है। इसको करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 8x/100, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया है। अब हम चलेंगे इसमें सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए, पहले हम इसका अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको सॉल्व करेंगे इधर 100 आएगा एलसीएम, तो 100 + 8 = 108/100x, ये अमाउंट हो गया। अब चलते हैं फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के लिए जो अमाउंट होगा हमारा फर्स्ट ईयर का वही प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड ईयर का। तो ये सेकंड ईयर का क्या हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल हो गया है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, रेट हमारा वही रहेगा 8%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर क्या होगा प्रिंसिपल प्लस रेट इनटू टाइम 1/100, 100 इधर लेके आएंगे नीचे, तो ये 108x × 8 और ये 100 × 100 हो जाएगा, 100 × 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 = 64 और 8 × 8x/100 = 10,000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस कितना है ये, तो ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर से 96 ज़्यादा है, इसमें बोल रहा था 96 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है हमारे पास 8 × 64x/10,000 माइनस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 8x/100 × 96। इसको अगर हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, यहाँ पर ये 8 × 64x रहेगा और यहाँ पर ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जाएगा सिंपल, ये ऊपर बचेगा 64x/10,000 = 96, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 96 × 10,000 / 64 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे 16 × 64 = 96, 4 से इसे अगेन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास ये बन गया है और इसे 4 से हम कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, 4 × 1 = 4, फिर 2 × 4 = 20 और ये 000, तो 15,000 हमारा क्या जाएगा, ये 15,000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहा है यहाँ पर, ए मैन बोरो 6,000 at 5% CI पर एनम इफ़ ही रीपे 12,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर ये रीपे कर देता है एवरी
एंड ऑफ द ईयर 1200 रुपीज, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बिगनिंग में कितने लोन अमाउंट हमारी रह जाएगी वो बतानी है आपको। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो भी हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे उसमें से 1200 माइनस करते जाएंगे लास्ट ईयर ईयर के एंड में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा। क्वेश्चन नंबर फोर में प्रिंसिपल वैल्यू दी है इसने 6000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसने हमें कितना 5%, और टाइम इसने बोल रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर आपको लोन अमाउंट बतानी है कितनी रह जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की तरफ चलेंगे तो इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर कितना जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, ये कितना जाएगा 5 6 30 300। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 6000 प्लस 300। 6000 प्लस 300 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6300 रुपीज़। अब इसमें हम क्या कर लेंगे 12000 माइनस कर देंगे, तो प्रिंसिपल क्या होगा फोर सेकेंड ईयर। जब हम सेकेंड ईयर पर जाएंगे तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, जितनी भी ये अमाउंट होगी हमारी उसमें से हम 1200 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट हमें सिर्फ इस पर देना है, 1200 हम पे कर देते हैं, 1200 पे कर देते हैं तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 5100। ये 5100 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर अगर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इस पर अगर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 इंटू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5% इंटू 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 5 और 5 5 25। तो ये 255 रुपीज़ फ्री इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट अगर हम निकालें इसमें, अमाउंट अगर हम सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालें तो सेकेंड ईयर का अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5100 प्लस 255 करेंगे इसे तो कितना जाएगा 5535, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम चलते हैं फोर्थ थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ थर्ड ईयर, तो फर्थ थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही हमसे वो बोल रहा है कि बताओ कितना प्रिंसिपल ले जाएगा, तो कितना हमें पे करना होगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, ये हो जाएगा हमारा 5355 माइनस 1200। 1200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 551 और ये 4। तो ये अमाउंट हमारा कितना रह जाएगा, ये स्टार्टिंग मतलब बिगनिंग में, बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर हमें इतना लोन पे करना पड़ेगा, इतना हमारा अमाउंट रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, ये कह रहा है ए मैन बोरो 5000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 ईयर। तो ये क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है लेकिन पेएबल कर रहा है एवरी 6 मंथ्स में, तो मतलब ये हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है। तो जब कभी भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे और रेट क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ई पेज 1800 एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ, इसमें भी ऐसी बोल रहा है कि एवरी 6 मंथ के एंड में वो 1800 पे कर देता है, तो कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ द 18 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर द एंटायर लोन। तो उसको थर्ड ईयर के एंड में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी कि वो अपने पूरे लोन को क्या कर दे, क्लियर कर दे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहां पर क्या लेंगे हम, ये दिया है हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है 5000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, टाइम दिया है 18 मंथ्स दिया है, 6 मंथ्स पर ही कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे अगर हम इसमें टोटल ईयरली में लें, ईयरली में आएगा ये 1 या फिर 3/2 ईयर, कैसे आया है, आप 18 को 12 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 6 3 18 6 2 12, इतना ईयर आएगा। तो ईयर को क्या कर देते हैं हम, ईयर को क्या कर देते हैं डबल, टाइम क्या हो जाता है डबल हो जाता है हाफ ईयरली में, और इंटरेस्ट क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, तो फोर फर्स्ट ईयर के लिए जाएंगे, फोर फर्स्ट ईयर,
अगर हम फोर फर्स्ट ईयर के लिए चलते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू यही रहेगी हमारी 5000, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, 12 तो 6% हो जाएगा। और टाइम यहाँ पर एन लेंगे, एवरी 6 मंथ लेंगे, तो इसमें कितने हाफ ईयर बनेंगे, तो इसमें 3 हाफ ईयर बनेंगे। तो फर्स्ट हाफ ईयर पर चलते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ईयर पर चलते हैं। तो इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, अब इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 5000 इंटू आर अब इंटू 1/100, ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा 6 5 30, तो ये आएगा 300 इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, 300 रुपीज़ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 300 रुपीज़ आ गया। तो ये हो गया हमारा 600, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर हम अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 5000 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 5300। 5300 हमारा अमाउंट हो गया। अब हम चलते हैं फोर अपने सेकंड ईयर की तरफ, सेकंड ईयर की तरफ। अब हमें प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल कितना लेना होगा, प्रिंसिपल हमें लेना होगा कितना, प्रिंसिपल लेना होगा हमें कितना, 5300 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 1800, क्योंकि वो 1800 रुपीज़ क्या करता है, वो पे कर देता है एवरी एंड ऑफ द 6 मंथ्स, ठीक है। तो एवरी एंड ऑफ द 6 मंथ्स पर वो 1800 रुपीज़ अपने हम पे कर देता है। तो इसके कितने बच जाते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, 0, 0, 5 और ये 3, 3500। तो सिर्फ 3500 पर ही अब उसे इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, 35 पर इंटरेस्ट देना होगा उसे। तो इंटरेस्ट देगा वो 3500 पर, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फिर 3500 करेगा और फिर 6 पर और 1 और ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 0 3 कैरी 6 3 18 और 3 2 1 0, ठीक है। तो ये 210 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा 3500 में कितना प्लस कर देगा, 210 प्लस कर देगा, तो कितना आएगा ये, 0173, ठीक है, ये इसका अमाउंट हो गया। अब चलते हैं फोर थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो कितना लेंगे हम, 3710 रुपीज़ में से 1800 माइनस कर देंगे, 1800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 1, 9 और 1, ठीक है, ये कितना, ये इतना आ गया। अब इस पर फिर इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 1910, ठीक है, और प्लस और इनटू में 6 × 1/100, इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 से किया तो 6 1 6 6 9 54, 5 carry 6 और 4 11 और डिवाइड में 10 करेंगे तो ये जाएगा 114.6। तो देखो ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे ये बोल रहा है कि थर्ड ईयर के लास्ट में कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ द 18 मंथ, 18 मंथ के एंड में वो कितनी पेमेंट पे करेगा, तो 18 मंथ के एंड में वो कितनी पेमेंट करेगा, तो ये पेमेंट करेगा वो 18 मंथ के एंड में कितनी, 83 हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1910 प्लस 114.6, इसे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.4 1 और 1 2 9 और 1 0 और ये 2, तो इतनी पेमेंट उसको थर्ड ईयर के लास्ट में पे करनी पड़ेगी अपने अपने लोन को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। चलिए करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पेएबल हाफ ईयरली, पेएबल हाफ ईयरली पे करना है आपको, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 180, फाइंड द सम लैंड आउट इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पे फॉर अ ईयरली, वन ईयर के लिए हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन ईयर करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 180 आएगा। तो फाइंड करना है आपको सम लैंड आउट, तो कितना सम उसने लैंड किया था ये आपको फाइंड करना है, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस इज 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर
सिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सिक्स में क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको नहीं मालूम है वो कितनी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, टाइम दिया है 1 ईयर के लिए, और ये कह रहा है कि दोनों का फर्स्ट ईयर का मतलब 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें उसका डिफरेंस, और सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 180 रुपीज़ है। तो हम सबसे पहले दोनों के इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो फोर हाफ ईयरली, फॉर हाफ ईयरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ठीक है। तो करेंगे इसे हम, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम क्या हो जाता है डबल हो जाता है हमारा, और रेट क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो हम फोर फर्स्ट ईयर चलेंगे, तो देखो टाइम 1 ईयर है तो इसमें डबल ईयर बन जाएंगे, टू हाफ ईयर हो जाएंगे, और हमारा रेट क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो फोर फर्स्ट ईयर, अब इसमें 2 ईयर्स हो गए, तो फोर फर्स्ट ईयर अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए चलते हैं इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, पी इंटू आर, आर 5% इंटू 1/100। इसे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आ गया हमारा 5x/100। लेकिन अब हम इसका अमाउंट फाइंड करते हैं फर्स्ट ईयर का, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया तो ये हो गया 105x/100, ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। फोर चलते हैं सेकंड ईयर के लिए, फोर सेकंड ईयर अगर हम इसे सेकंड ईयर के लिए चलते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा हमारा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा 105x/100, रेट हमारा 5 ही रहेगा, टाइम हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25x, और ये 100 × 100 = 10,000, ठीक है, ये इसका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अमाउंट अगर हम फाइंड करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू 105x/100 थी, और इसमें अगर हम इंटरेस्ट और ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 10,000, यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर 5 × 5 हो जाएगा इंटू एक्स। अब इनको करेंगे सोल्व तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 0, 1 और 1, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तो ये हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमें तो चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का, तो ये क्या हो जाएगा, जो इसकी इनिशियल अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे इसके फाइनल अमाउंट से। तो इनिशियल प्रिंसिपल क्या था हमारा, एक्स रुपीज़ था जो हमने एक्स लेट किया था, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10125x, एलसीएम लोगे इसका तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, और डिवाइड में 10,000, माइनस करोगे तो 1025x/ कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ये तो ये 10,000 हो गया। तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब इसका फाइंड करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू एक्स हो जाएगी। रेट इस बार हम हाफ नहीं करेंगे, 10 ही लेंगे, और टाइम हम 2 नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो बोल रहा है वो, 1 ईयर को हमने डबल किया था इसमें CI में, क्योंकि हमने हाफ ईयरली के लिए निकाला था, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ गया x/10, तो ये इसका इंटरेस्ट आ गया 1 ईयर का, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो इंटरेस्ट का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 180 रुपीज़ है, वो 180 रुपीज़ है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया था हमारा 10025/10,000, और यहाँ पर x, सिंपल इंटरेस्ट आया x/10 × 180, इसको करेंगे अगर हम सिंपल तो ये आएगा 10,000 LCM,
यहाँ 1025 हो जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा 1000, तो 180। 1000 माइनस करेंगे तो 25x, 25x 10000 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 180 इंटू 10000 अपॉन 25, 25 से इसे कैंसिल कर सकते हो, कितने टाइम्स में 400 टाइम्स, यहाँ 100, तो 204 आ जाएंगे। 18 4 कितना हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 7200। तो ये आ गया हमारा जो इनिशियल, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द सम लेंट आउट। तो हमें जो सम फाइंड करना था वो सम ये है हमारा, ये एक्स की वैल्यू हमने लेट की थी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट हिज मशीन डेप्रिसिएट बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो जब कभी वो डेप्रिसिएट कहेगा तो हमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इंटरेस्ट हम लेते हैं, इंटरेस्ट को हम प्लस करते हैं प्रिंसिपल में, हम यहाँ पर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे प्रिंसिपल में, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन इफ द डेप्रिसिएट्स बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। अगर उसे सेकंड ईयर में इतना डेप्रिसिएशन हुआ है तो आपको फाइंड करना है उसका कंपनी की, उसकी जो मशीन की कॉस्ट थी वो इनिशियली क्या थी, ठीक है। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन। तो इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट को माइनस कर देना है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, ठीक है, वो कितनी थी, एक्स रुपीज़ थी, ठीक है। अब वो 15% माइनस करता है इसका, तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन दिया है इसने, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसमें रेट हमें दिया है 15%, तो फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम चलते हैं, तो इंटरेस्ट निकालेंगे अगर हम, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 15x अपॉन 100। तो इसकी मशीन की वैल्यू कितनी डेप्रिसिएट हो जाएगी, तो इसकी अमाउंट कितना बन जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, जितनी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसमें से डेप्रिसिएशन, मतलब इसका जितना डेप्रिसिएट हुआ उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना जाएगा 100, इधर एलसीएम लेंगे 100 माइनस 15, तो 85x अपॉन 100 हो जाएगा ये, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की तरफ चलते हैं, फॉर सेकेंड ईयर तो फिर हम इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये हमें दिया है उसने, डेप्रिसिएशन वैल्यू दी है, तो सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है इसको निकालने के लिए हम फिर करेंगे पी। पी क्या होगा यहाँ पर, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू होगी। रेट कितना होगा 15%, और टाइम यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 85x इंटू 15 इंटू 1 अपॉन ये 10000, ठीक है, ये 10000 हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी डेप्रिसिएशन की, लेकिन हमें सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, तो हम इस वाली वैल्यू को सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है तो उसको किसके इक्वल रखेंगे, जो इसने हमें दिया है कितना 5355, ये वैल्यू दी है हमें, इसकी इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है हमारी, और ये आ रही है 85x इंटू 15 अपॉन 10000, और 5355 एक्स को इधर छोड़ देते हैं और सारी वैल्यू इधर लेके आते हैं, 5355 इंटू 10000, और ये 85 नीचे और 15 इसके नीचे आ जाएगा। अभी से कैंसिल कर लेंगे, जैसे 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 15, 5 से कैंसिल किया तो कितना आया, 5 1 5 0, 5 7 35, और 5 1 5, 3 से अगेन कैंसिल कर लेते हैं, 3 से अगेन कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 3 9 3 3 9, 1 कैरी 3 5 15, और 3 7 21, इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं किससे, 17 से 17 2 34, और 1 कैरी 17 1 17, और यहाँ पर 17 5 85, तो ये हो गया 21, और ये
फोर टाइम जीरो और ये फाइव, फाइव से इसे कैंसिल कर लेते हैं अभी से हम, कितना जाएगा, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, वन कैरी आएगा, फाइव टू ज़ा टेन और ये थ्री ज़ीरोज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 42,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 42,000 इसकी क्या हो गई, मशीन की जो इनिशियल वैल्यू थी, पोस्ट प्राइस था, वो आ गई हमारी, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहा है, मैन इन्वेस्ट 5600 एट 14% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल है, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये भी सिंपल है, एंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो भी करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज में। सिंपल क्वेश्चन है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर एट को। क्वेश्चन नंबर एट में प्रिंसिपल वैल्यू हमें कितनी दी है, 5600, 5600 दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसका कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसने हमें 14%, ठीक है। अब फॉर सेकंड ईयर, टू ईयर के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट ईयर का इसने हमसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट भी पूछा है, तो फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के लिए अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो से कैंसिल कर लेंगे, 56 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 24, 2 4 5 20 और 2 22, और ये 6 और ये 5, तो ये जाएगा 6 8 7, तो 786 रुपीज़, 786 रुपीज़, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर 4 आएगा ना, तो 784 रुपीज़, तो 784 रुपीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इंटरेस्ट हो जाएगा, 784 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। तो अब अमाउंट निकालना है सेकंड ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा, इसने फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही पूछा है, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 5600 में प्लस कर देंगे 784, 784 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 4 8 7 और 6 13 1 और ये 6, तो ये आ गया 6384, ये कितना आ गया फर्स्ट ईयर के अमाउंट। अब इंटरेस्ट निकालना है आपको क्या, सेकंड ईयर के, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़ में, तो 4 सेकंड ईयर जा रहे हैं हम, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकंड ईयर की, जो इन अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। रेट यहाँ पर 14% ही रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसको कैंसिल कर लेते हैं। इसको कैंसिल करने से बेटर है कि आप क्या कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6384 को मल्टीप्लाई कर लो 14 से, 100 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, 4 4 16 1, 4 8 32 और 35 3, 4 3 12 और 3 15 1, 4 6 24 और 1 25, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 36, यहाँ पर 6 9, यहाँ पर कितना जाएगा 13 1 या 9 और यहाँ 8, तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 893.96। और इसको नियरेस्ट रुपीज़ में अगर फाइंड करना है तो पॉइंट के बाद 96 है आपका, तो 96 किसके नियर बाई आ जाएगा, ये 894 के नियर बाई आ जाएगा, सिंपल। तो ये इसका नियरेस्ट रुपीज़ में आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, मैन सेव्स 3000 एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में उसको टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी ये बताना है आपको। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में इसने स्टार्टिंग में सेव करना शुरू किया और 3000 रुपीज़ सेव किए, तो फर्स्ट ईयर ये चला गया और ये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर में, तो इस कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने सेविंग स्टार्ट की करनी, यहाँ पर सेविंग स्टार्ट की करनी उसने, तो सेकेंड ईयर में पहुँच गया।
तो यहाँ पर यहाँ से इंटरेस्ट लगना उसका शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट फॉर, तो फर्स्ट ईयर चला गया उसका, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आया उसका 3000, और 3000 पर उसने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, वो 10% पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है और डिवाइड में 100, ठीक है। जीरो से दो जीरो कैंसिल ही हो गया, 300। अब वो यहाँ पर आ गया उसने, तो यहाँ पर उसने क्या किया, 3000 बचाए और यहाँ पर इसने इंटरेस्ट लगाना शुरू किया। अब तो यहाँ पर ये यहाँ पर आया, अब इसने अमाउंट कितना हो गया उसका, अमाउंट कितना हो गया जब यहाँ पर उसने, यहाँ पर उसको 3000 मिले, तो यहाँ पर उसने इंटरेस्ट लगाना शुरू किया। अब ये यहाँ पर आ गया है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आ गया, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इसमें कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 3000 + 300, तो ये तो 3300, तो ये हो जाएगा उस पर, ठीक है। और फिर उसमें क्या हो जाएगा, 3000 और ऐड हो जाएगा, तो 3000 और ऐड हो जाएगा, तो इसका प्रिंसिपल बन जाएगा प्रिंसिपल। तो फोर थर्ड ईयर में अगर हम जाते हैं तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी बन जाएगी इस 3000 में। फिर इसने यहाँ तक इसने इंटरेस्ट पर लगाए थे वैल्यू, तो इंटरेस्ट की वैल्यू हुई है हमारी, और उसमें 3000 फिर सेव किए यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 3000 फिर सेव किए, तो यहाँ पर 3000 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6300। तो 6300 रुपीज़ अब इसके यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई, लेकिन वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में बताना है आपको इसकी कितनी सेविंग हो जाएगी। तो थर्ड ईयर के एंड में कितनी सेविंग हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे इस पर हम, तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6300 इंटू रेट 10 इंटू 1/100 करेंगे, यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल कर लेंगे, 630 आ जाएगा, ठीक है, 630 आ जाएगा, ये इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट हो गया, अब इंटरेस्ट में क्या करेगा, ये अमाउंट निकालेगा, तो अमाउंट कितनी जाएगी 6300 + 630, तो कितना हो जाएगा 039 और 6, इतना अमाउंट हो गया इसका इंटरेस्ट लगने के बाद। लेकिन ये 3000 फिर यहाँ पर भी सेव करेगा, तो 333 ये तो इसमें टोटल ये हमारे क्या हो गए हैं, क्या हो गए 9000 यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर 3000 और सेव कर लेगा, तो 3000 और सेव कर लेगा, तो यहाँ पर इसका टोटल सेविंग हो जाएगी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, तो ये तो इसका इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बन गया था, और उसमें 3000 और ऐड कर लेते हैं, 3000 और ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9930 रुपीज़, ठीक है। तो ये इसकी टोटल सेविंग हो जाएगी थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान से करने हैं आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, ए मैन बोरो 10,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ही रीपे 35% ऑफ द सम बोरो, जितना वो सम बोरो करता है उसका 35% मीन्स 10,000 का 35% वो पे कर देता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द 42% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर द डेबिट। क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5th किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू दी है इसने हमें 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम जाते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर जाते हैं इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 10,000 इंटू 5 इंटू 1/100 करते हैं, तो कितना आता है 500 इंटरेस्ट आ जाता है, तो अमाउंट कितना आ जाता है इसका, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा हमारा 10,000 + 500, तो कितना हो जाएगा 10,500, ठीक है। ये 10,500 क्या हो गया हमारा अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट आने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, फोर्थ जब हम सेकेंड ईयर जाएंगे, फोर्थ सेकेंड ईयर जाएंगे अगर हम, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जितने भी अमाउंट है उसमें से उसने कितना पे कर दिया है, माइनस कर दो उसमें से 35% ऑफ द सम बोरो, 35% किसका, 35% ऑफ इनिशियल सम बोरो, जितना उसने इनिशियल सम बोरो किया था, तो मतलब 10,000,
तो यहाँ पर आपको कितना माइनस कर देना है, 35/100 इंटू 10,000 करेंगे इसे, 20 से 20 कैंसिल, तो आपको 10,500 में से 3500 माइनस कर देने हैं। 3500 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 7,000, ये 7,000 मिल गया, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी हमारी सेकंड ईयर के लिए। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे सेकंड ईयर का, तो ये हो जाएगा 7,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 1/100, 20 से 20 कैंसिल कर लेंगे, 7,500 35 30 350 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 7,000 + 350, तो ये कितना हो जाएगा, 7,350 रुपीज़, ठीक है, 7,350 रुपीज़ हो जाएगा। अब अगर हम चलते हैं किस पे, फोर थर्ड ईयर की तरफ, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, ये जब भी थर्ड ईयर की तरफ चलेगा तो थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, थर्ड की प्रिंसिपल वैल्यू होगी 7,350 माइनस 40, कितना परसेंट, 42% ऑफ द सम बोरो, 42% ऑफ द सम बोरो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसी हो जाएगा, 4,350 माइनस 42%, 20 से 20 कैंसिल, तो 4,200 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, 5, 1 और 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करते हैं, तो इंटरेस्ट फाइंड करते हैं अगर हम थर्ड ईयर के लिए, तो 3,150 इंटू कितना, 5 × 100 डिवाइड बाई, ओ 100 नहीं 1 और डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ही कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जो 2, 1 कैरी, 2 5 जो 10, 1 कैरी 2 7 जो 14 और 0.5, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको ये इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है, क्या क्या बोल रहा है कि हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में वो कितना पे करेगा, तो थर्ड ईयर का ये एंड चल रहा है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट भी लग गया है, तो थर्ड ईयर के एंड में वो कितना पे करेगा, थर्ड ईयर के एंड में कितना पे करेगा, अब हम इसे माइन प्लस कर देंगे, 3,150 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उसे टोटल इतना क्या करना पड़ेगा, थ्री, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे प्लस करते हैं 1,7, 5.5 को तो कितना मिलता है, 5,7,5,5,0, 1, 3 और 3, तो 3,3,0,7.50, ये इतना पे करना पड़ेगा उसको लास्ट में अपने लोन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें, जिससे हम आपके लिए और भी ज़्यादा नई वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।